बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बैरियर्स इन गुड लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपना रीडिंग स्किल्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी बुक में, चाहे वो जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, आपको कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको टीचर ने कोई आपको असाइनमेंट का कोई टॉपिक अलाट किया है और आपको मटीरियल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीडिंग क्या है। देखें, रीडिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। रीडिंग ब्रॉडन्स द विजन। रीडिंग क्या करता है, आपके ब्रॉडन करता है आपकी विजन को। अ गुड रीडर कैन इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ बेनिफिटिंग मैनर बिकॉज रीडिंग हैज़ वाइडन द विजन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। रीडिंग आपको ब्रॉडन करती है आपके विजन को, उसके बाद इन्हेंस करती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। अब स्टूडेंट्स, हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, नॉलेज ऑफ न्यू आइडियाज़। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमारे जहन में न्यू आइडियाज़ भी आएंगे, हमें न्यू आइडियाज़ का नॉलेज होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। अ पर्सन रीड डिफरेंट बुक्स, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स विच आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ही लर्न्स न्यू आइडियाज़, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड मैनर्स टू कोप विद अ सिचुएशन। ही डिस्कवर्स न्यू थिंग्स थ्रू हिज रीडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बुक में बहुत ही इजी वर्डिंग है, आप एक दफ़ा इसको जस्ट रीड भी करेंगे तो इजीली आप, अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं रीडिंग के थ्रू। रीडिंग बिगिंस करती है फ्रॉम, एक्सप्लोरेशन बिगिंस फ्रॉम रीडिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू अ पर्सन टू सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आगे देखें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रीडिंग एक ग्रेट सोर्स है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और आपकी बेटरमेंट का। इग्नोरेंस एक डार्कनेस है और नॉलेज आपको लाइट प्रोवाइड करती है, गाइड करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, रीडिंग कैन मेक अ स्टैग्नेंट बैरन माइंड रिच एंड कल्टिवेबल। रीडिंग ऑल्सो हेल्प द पर्सन टू सी द प्रेजेंट इन रिलेशन टू द पास्ट एंड द फ्यूचर एंड दस ही मेक्स अ केयरफुल प्लानिंग इन लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स थ्रू रीडिंग। बुक्स आर द रेडी काउंसलर्स डेट गाइड्स यू एंड यू मेक गुड जस्ट एंड सक्सेसफुल डिसीजंस। देखें, आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग। अगर आप रीड करोगे, रीड क्या करती है, ब्रॉडन करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ के किसी भी अफेयर में। जितना आप ज़्यादा रीड करोगे, द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड अ थिंग, अ प्रॉब्लम, अ सिचुएशन इन लाइफ। यू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ थिंग्स थ्रू रीडिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। रीडिंग प्रोवाइड करती है आपको रूल्स एंड वे टू बिहेव इन एनी सिचुएशन। रीडिंग इंक्रीज करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द रूल्स ऑफ लाइफ। यू कैन अडॉप्ट those rules and adapt yourself to the situation as well as accommodate into the society. A player of any game must have a good understanding of the rules of the game for success. तो reading क्या करती है, reading से आप अपनी improvement भी कर सकते हो, understanding में, कि आपकी understanding अच्छी होगी, आपकी understanding में improvement आएगी, कैसे, by reading. Next आगे देखिए students, readiness for action. प्रेपरेशन इज प्रायर टू एक्शन। ठीक है, वो कहती हैं कि किसी भी एक्शन से पहले आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए। बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन एनी थिंग यू नीड प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस। रीडिंग असेंशियल है, डिपेंडेबल है वे डैट कैन हेल्प यू डिसीजन एंड यूजली मेड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, रिव्यूज एंड फीडबैक फ्राम अदर पीपल डैट मे बी जस्ट एंड सक्सेसफुल। कहती हैं, जब आपने कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन से पहले आप डिफरेंट पीपल से मिलेंगे, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, इनका फीडबैक लेंगे, वो उन पीपल से जो आपको जस्ट एंड सक्सेसफुल लगेंगे। योर रीडनेस ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन योर बिफोर हैंड नॉलेज ऑफ एनी मैटर। देयरफॉर यू नीड टू रीड अबाउट हाउ टू कुक अ मील, हाउ टू प्ले चेस, विच प्लेस इज नाइस फॉर द हॉलीडे फैमिली ट्रिप। नीड द मैनुअल बिफोर ऑर्डरिंग फूड, रीड द मैनुअल बिफोर यूजिंग अ न्यू गैजेट। इन दिस वे ऑल दिस कैन हेल्प यू बिकम मोर प्रिपेयर्ड बिफोर यू रियली एक्ट एज प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से पहले ही, पढ़ने के बाद फिर आप कोई एक्शन लेंगे, एक्शन से पहले पहले आप रीड करेंगे, तो रीडनेस जो है वो
ज़रूरी है किसी भी एक्शन के लिए। सबसे पहले देखिए आप रीड करेंगे, देन आप लर्न करेंगे, फिर डू या एक्ट करेंगे और उसके बाद अचीव करेंगे। तो इस तरह आपने लाइन वाइज चलना है। किसी भी एक्शन से पहले आपने हमेशा पहले रीडिंग करनी है। देखिए इसमें आपने उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हैं कि अगर आपने कोई खाना पकाना है सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, चेस खेलने से पहले आप उसके रूल्स को पढ़ेंगे, आपने हॉलीडे पर जाना है तो कौन सी जो है प्लेस बेस्ट है उसके लिए पहले आप रीडिंग करेंगे, अगर आपने कोई फूड ऑर्डर करना है पहले आप मैनुअल को रीड करेंगे। तो इस तरह रीडिंग जो है वो कोई किसी भी एक्शन को लेने से पहले जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, बेनिफिटिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पीपल, के आप दूसरों पीपल के एक्सपीरियंस रीडिंग के थ्रू आप डिफरेंट पीपल्स का एक्सपीरियंस या बेनिफिट भी हासिल कर सकते हो। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वी गेन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ समवन थ्रू रीडिंग, द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इज अ गुड गाइड दैट लीड्स यू टू सक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, बुक्स आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इट इज़ लाइक अ माउंटेन ऑफ जेम्स फॉर यू टू डिस्कवर इन बुक्स विच कंटेन पीपल सक्सेस फेलियर्स एडवाइस एंड प्रैक्टिकल विजडम। थ्रू रीडिंग बुक्स वी लर्न दैट वट टू डू एंड हाउ टू डू टू बी सक्सेसफुल, के बुक्स के हम डिफरेंट जो डिफरेंट हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, हम जब उनकी लाइफ का हम उनके मुतालिया करते हैं, हम उनकी लाइफ को जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उनके फेलियर्स को, उनके किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल की, हम उनके डिफरेंट उनके एक्सपीरियंस को हम पढ़ते हैं। तो इस तरह रीडिंग के थ्रू हम डिफरेंट पीपल के एक्सपीरियंस के थ्रू हम बेनिफिट भी हासिल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, वी रीड देयर लाइफ हिस्ट्री एंड लर्न हाउ दे गॉट देयर गोल्स, हम उनकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ में अपने गोल्स को किस तरह से अचीव किया। रीडिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी टू अक्वायर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट पीपल, तो रीडिंग एक गुड एक्टिविटी है कि आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो अपने ग्रेट पीपल के एक्सपीरियंस से, हम किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं थ्रू रीडिंग। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, टूल ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग एक बेस्ट टूल है कम्युनिकेशन का विच वी यूज़ every day to connect with each other. As you communicate through reading, you understand more and thus you communicate better with people. As with person who knows nothing, he does not have anything to share and he probably does not even understand what people are sharing. If you do not read, you cannot even connect with the world and what people are talking about out there, including understanding what is this article is all about. Reading is a tool that connects you all the world. तो देखिए आई होप कि जो मैंने इसकी इंग्लिश पढ़ी तो आपको समझ आ गई होगी कि इस लाइन में, इस पैराग्राफ में, इन लाइन्स में वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि वो कहते हैं रीडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का, हम डिफरेंट पीपल से कम्युनिकेट करते हैं। एक ऐसा पीपल जिसके कुछ भी नहीं पता, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि वो शेयर कर सके, इवन कि उसको ये भी समझ नहीं आएगी कि हम आपस में क्या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग यूअर ब्रेन, While reading, a reader is complete silence because reading connects directly to his brain. In silence, you seek for more. In silence, your brain is clear and it focuses on the reading well. Thus, you learn and grow and therefore you feel and see from the viewpoint of the author about everything in life. Hence, you shape a better self. Next, आगे देखिए, boost imagination. Reading आपके imagination को develop करती है. Television and computer games have their place, but they are more like amusement. Amusement is no thinkly activity. Amusement means कि इसमें कोई भी thinking activity नहीं होती। With reading, reading से a person can go anywhere in the world or even out of it. The flight of imagination is unchecked and it is and can transport the reader in the world of imagination. The reader can be a king of adventurer or a princess. The possibilities are endless. No readers never experience those joys to the same extent. कि जो नॉन रीडर्स हैं वो उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी जो है वो नेवर वो उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी जो है वो एंजॉय नहीं कर सके। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी, रीडिंग डेवलप करती है आपके अंदर एक क्रिएटिव पावर को। व्हेन रीडिंग टू चिल्ड्रन, स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, लेट देम थिंक अबाउट द स्टोरी। व्हेन इट इज़ फिनिश्ड, आस्क इफ दे कुड थिंक ऑफ अ बेटर एंडिंग और एनीथिंग दैट वुड हैव इम्प्रूव्ड इट। दस विद रीडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग डिवेलप्स। देखिए वो कहते हैं अगर कोई बच्चा है वो रीड कर रहा है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप करें, पूछें कि नेक्स्ट आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर उसने स्टोरी कंप्लीट कर लिया तो आप उससे पूछें कि आपको इस स्टोरी का एंड कैसा लगा, आप चाहते हो कि क्या इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। तो इस तरह आपका बच्चा जो है वो एक सेल्फ राइटर, एक सेल्फ क्रिएटर भी बन सकता है। तो इस तरह जो रीडिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी की जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी आपके अंदर लेके आती है, आपकी क्रिएटिविटी को
इन्हेंस करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारे कुछ पास कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम रीडिंग क्यों करते हैं, हमारे पास एडवांटेजेस क्या है रीडिंग के। तो ये 9 पॉइंट्स बहुत ही ईजी हैं। आप एक दफ़ा अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से सुन लिया होगा तो आप ईजिली इन पॉइंट्स को याद कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।